हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के इंजीनियरिंग। बीएससी एग्रीकल्चर के इंजीनियरिंग का अभी पेपर होने जा रहा है अभी, और इंजीनियरिंग जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उससे रिलेटिव जो सब्जेक्ट है उसमें जो इंजीनियरिंग आती है वो क्या है, खेती बाड़ी से संबंधित होता है। उसमें ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर से जो जो भी संबंधित जो भी औजार होते हैं वो इंजीनियरिंग में आते हैं। तो आज हम करेंगे चार पांच क्वेश्चन करेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे भी इंजीनियरिंग पे, जो कि 15-15 नंबर के आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी बच्चे हैं वो इस क्लास को देखें और अपने जो रिलेशन में हैं, जितने भी जानकार हैं, अपने दोस्त हैं, उसके पास उसको शेयर करें, ताकि वो भी बच्चे इस कक्षा का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बता दूँ कि हमारे जो चैनल को, हमारे चैनल पर जो पहली बार है उस वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगली जो वीडियो आपके लिए डालें तो वो आपके लिए सर्वप्रथम पहुंचे और आप उसका लाभ जल्दी से जल्दी ले सकें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। आपके लिए पहला क्वेश्चन आ गया है और वो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। एक चतुर्घात चक्कर इंजन जिसमें चार सिलेंडर हैं, सिलेंडर का व्यास तथा स्ट्रोक की लंबाई जो क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 13.5 सेंटीमीटर है। इंजन की सांकेतिक हॉर्स पावर आपको ज्ञात करना है। यदि इंजन की गति जो आरपीएम बोलते हैं जो चक्कर के इंजन की गति होती है वो 1000 चक्कर प्रति मिनट है, और मध्यमान प्रभावी दबाव जो है वो 7 केजी प्रति वर्ग सेमी है। आपके जो किताब में क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है भी, इंजन की गति वहाँ पर 100 दी गई है, इंजन की गति 100 दी गई है, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, वहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1000 मिलेगा भी। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो शुरू करते हैं भी। आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है? आपको सर्वप्रथम पूछा गया है कि इंजन की सांकेतिक हॉर्स पावर, इंजन का सांकेतिक हॉर्स पावर, इंजन का सांकेतिक हॉर्स पावर आपसे पूछा गया है। इंजन का सांकेतिक हॉर्स पावर यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, IHP, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है भी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और इंडिकेटेड हॉर्स पावर का जो फॉर्मूला होता है वो PLAN, प्लेन अपॉन 45 इंटू एन बाई टू, प्लेन अपॉन 45 इंटू एन बाई टू, ये क्या है, चतुर्घात चक्कर इंजन। कौन सा इंजन है, चतुर्घात चक्कर इंजन है, कौन सा इंजन है अभी, चतुर्घात चक्कर इंजन है। और यहां पर आपको पी दिया हुआ मिलेगा, एल मिलेगा, ए मिलेगा, एन मिलेगा, और एन बाई एन, ये स्मॉल एन है और ये कैपिटल एन है, उसमें भी अंतर है, ये मैं बताने जा रहा हूं। पी यहां पर क्या है, पी यहां पर क्या है, प्रभावी, पी है प्रभावी दबाव, पी यहां पर क्या है, प्रभावी दबाव है, जो आपको कितना दिया गया है, 7 केजी प्रति मीटर स्क्वेयर, ये प्रति का मीन्स है यानी अपॉन में है, केजी अपॉन मीटर स्क्वेयर है, 7 केजी प्रति मिनट जो पी आपको दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। एल यहां पे स्ट्रोक की लंबाई है, एल क्या है,
स्ट्रोक की लंबाई, स्ट्रोक की लंबाई आपको दी गई है 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर, उसको आपको मीटर में चेंज करना है। और मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 100 का भाग लगाओगे तो ये बन जाएगा 13.5 अपॉन 100, यानी ये क्या बन जाएगा अब, यानी ये मीटर में चेंज हो गया, अभी मीटर में चेंज हो गया, यानी ये बन गया 0.135 मीटर, ये बन गया 135 मीटर। ये यहां पर एरिया होता है, और एरिया जो आपको सिलेंडर है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7 इंटू आपको जो स्ट्रोक की लंबाई के से पहले दिया गया व्यास, और व्यास क्या होता है भी त्रिज्या का दुगना होता है, तो आर यहां पर उसकी त्रिज्या है, तो व्यास आपको दिया गया 10, तो त्रिज्या कितनी लोगे आप, 5, और 5 का स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद में आपको जो एन यहां पर है, जो मैंने बताया था अभी 100 की जगह आप क्या कर लेना 1000 कर लेना, आरपीएम होता है, आरपीएम होता है जो इंजन के चक्कर राउंड होते हैं, आरपीएम भी 1000 आरपीएम पे चल रहा है या 500 पे चल रहा है या 1500 पे चल रहा है, तो वह क्या है क्रैंकशाफ्ट के चक्करों की संख्या होती है, क्रैंक शाफ्ट होती है उसके चक्करों की संख्या हमको कितना दिया है 1000 दिया है। और जो स्मॉल एन है वो किसको संकेत कर रहा है, मैंने क्वेश्चन में स्वरूपोत में भी दिया था कि एक चतुर्घात चक्कर इंजन जिसमें 4 सिलेंडर हैं, जो एन क्या है उन 4 सिलेंडरों की संख्या को दर्शा रहा है स्मॉल एन। तो ये सब मान इसमें पुट कर देना, इसके बाद में इसको हल करोगे तो इंजन का सांकेतिक हॉर्स पावर आपके पास में आ जाएगा। तो ये मान सभी आपके पास प्राप्त हो गए, तो इसका मान इसमें अब पुट करेंगे भी। आपसे पूछा गया इंजन का सांकेतिक हॉर्स पावर यानी IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर IHP, पी का मान आपको मिला है 7 इंटू एल का मान मीटर में हमने निकाला था कि 0.135 इंटू एरिया निकाला था 550 इंटू एन का मान था 1000 आरपीएम अपॉन नीचे है 4500 इंटू, अब देखो अभी 550 के नीचे 7 भी था तो 7 लगा दिया, यहां पर था 4/2, अब ये देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 शून्य लग जाएंगे, 3 शून्य लग गए। इसके बाद में इसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको 11 से यानी 5 से कैंसिल करेंगे तो 11/55 हो जाएगा, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 90 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखना, और इसको कैंसिल कर रहे हैं किससे 45 से करो, तो ये 2 और ये 3 3 बार जाएगा, और ये 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में कितना बच गया यहाँ पर भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 3 कितना होता है 33 हॉर्स पावर, यानी जो इंजन का सांकेतिक हॉर्स पावर आपने निकाला है वो कितना है, इंजन कितने हॉर्स पावर का है अभी 33 हॉर्स पावर का इंजन है, ये आपको डिनोट करना था IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंजन का सांकेतिक हॉर्स पावर ज्ञात करना था, पी यहाँ पे जो आपको प्रभावी दबाव दिया जाएगा, एल जो आपको स्ट्रोक की लंबाई दी जाएगी, ए एरिया होता है सिलेंडर का,
एन जो इंजन के राउंड होते हैं क्रैंकशाफ्ट के, और नीचे ये सूत्र में लगता है 4500 इंटू एन बाई टू, एन यहाँ पर क्या है सिलेंडर होते हैं, एन बाई टू लगा है यहाँ पर, ये लगा है चतुर्घात चक्कर इंजन के लिए। अगर ओनली फॉर एन लगा होता तो वो होता द्विघात चक्कर इंजन के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भी, एक चार सिलेंडर द्विघात चक्कर है, एक चार सिलेंडर द्विघात चक्कर है, अब की बार द्विघात चक्कर अंतर दहन इंजन जिसका आकार है 10x12 सेंटीमीटर, ब्रेक हॉर्स पावर ज्ञात करना है, बीएचपी आपको निकालना है, भी हॉर्स पावर एचपी होता है और बी का ब्रेक हो गया, बीएसपी आपको निकालना है। यदि मध्यमान प्रभावी दबाव आपको पी का मान दिया गया है 7 kg/cm², इंजन की गति है जो आरपीएम था, आरपीएम की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 900 चक्कर प्रति मिनट दिया गया है, और जो यांत्रिक तथा इसकी यांत्रिक क्षमता भी हमको दी गई है, इंजन की यांत्रिक क्षमता है वो है 90%, कितनी है भी 90%। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा आईएचपी, और आईएचपी से आपका निकलेगा बीएचपी। तो आईएचपी में आपको क्या क्या मान होते हैं, पहले तो आप सूत्र लिख लीजिएगा आईएचपी, आईएचपी का सूत्र होता है पी इंटू एल इंटू एरिया इंटू आरएमपी आरपीएम अपॉन 4500 इंटू, ये क्या है द्विघात वाला है ना, हाँ तो द्विघात में लगेगा ओनली फॉर एन, लेकिन चतुर्घात वाला होता तो वहाँ पे लिखता आपको लगता एन बाई टू। तो यहाँ पे आई एच पी क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, और इसमें आपको मान कितना कितना दिया है, अभी पी का मान वो सेम वाला ही पीछे वाला ही है 7 x लंबाई, यहाँ पर देखना कितनी है, जो 10x12 है, 10x12 है यहाँ पे आपको दिया जाएगा, वो लंबाई है वो कितनी है 12 है, और ये क्या है इसका व्यास है, लंबाई 12 है ये इसका व्यास है, तो लंबाई 12 है, तो 12 है उसको है, ये तो सेंटीमीटर में दी होती है, कोई राशि होती है वो सेंटीमीटर में, आपको यहाँ पर 12 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको मीटर में चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे 100 का भाग लगाओगे, तो 100 का भाग लगा देना भी, और एरिया आपका कितना आएगा, जहाँ पे जो पीछे वाला सेम क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको व्यास दिया गया है 10 cm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, तो 5 cm यानी 22/7 × 5 की स्क्वायर 25 होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 550 × यहाँ पर, अब की बार देख लेना कितना है, जो आरपीएम दिया गया है आरपीएम है 900 चक्कर अपॉन 4500 और 100 × 7 × 100, तो ये 12 है, 12 को जो सेंटीमीटर में था इसको मीटर में चेंज कर लिया तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 7 आ जाएगा वो, यानी ये 550 है, 550/7 बनता है अभी, तो इससे ये 7 आ जाएगा। इसके बाद में जो n है वो क्या है कि 4 सिलेंडर है, यानी n का मान कितना है, स्मॉल n का मान 4 सिलेंडर है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 × 5 = 55, ये 90 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मान बच गया, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 45 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में जब आप इसको और हल करोगे, हाँ सही है भी, इसको हल करोगे, हल कर लेना भी, यहाँ पर हल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 52.8 हॉर्स पावर आ जाएगा,
52.8 हॉर्स पावर आ जाएगा। किसका मान? IHP जो इंजन की सांकेतिक हॉर्स पावर है वो कितना आ जाएगा? बाउन पॉइंट आठ। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है BHP ब्रेक हॉर्स पावर। क्या पूछा गया है? ब्रेक हॉर्स पावर। और ब्रेक हॉर्स पावर का सूत्र लिख लीजिएगा क्या होता है। ब्रेक हॉर्स पावर BHP यानी IHP इनटू जो इंजन की इफिशियंसी है। इंजन की इफिशियंसी कितनी दी गई है, उनकी क्षमता कितनी दी गई है? मशीन की इफिशियंसी अपॉन जो इफिशियंसी आपको मिलेगी उसकी क्षमता मिलेगी वो प्रतिशत में मिलेगी। और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। यानी प्रतिशत हटाने के लिए 100 लगाते हैं, नए के सूत्र में 100 होता है। तो यहां पे आपको ब्रेक हॉर्स पावर निकालना है। तो ISP का मान है 52.8 इंटू इंजन की मशीन की इफिशियंसी, उसकी क्षमता दी गई है आपको 90%। यहाँ पे प्रतिशत होता है, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए नीचे क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। तो लगा दिया, इसके बाद में ये पॉइंट हटाए हुए थे, नीचे 10 भी लगा देना, ये 10 से 10 आउट हो जाएगा। इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 47.52 HP। क्या आ जाएगा? 47.52 HP जो इंजन की क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर है। यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि भी इंजन का आपको ब्रेक हॉर्स पावर ज्ञात करना है, और ब्रेक हॉर्स पावर ज्ञात करने से पहले आपको इंजन की सांकेतिक हॉर्स पावर भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये BHP का जो क्या होता है फॉर्मूला यही होता है भी, यानी IHP इंटू जो मशीन की इफिशियंसी उनकी क्षमता दी गई है अपॉन 100 जो उसकी क्षमता प्रतिशत में दी हुई मिलेगी आपको, और प्रतिशत हटाने के लिए यहां पर क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। तो आपके दो क्वेश्चन हो गए। अब रुख करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है आसान भी, सेम तरीका लगेगा, सेम में थोड़ी मोटी चेंजिंग हो सकती है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है सर, तीसरा क्वेश्चन लगा दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी देख लेना कि एक दो सिलेंडर इंजन जिसका आकार 10x15 cm है, इंजन की गति RPM आपको अब की बार 2000 चक्कर प्रति मिनट दिए गए हैं, और जिसका मध्यमान प्रभावी दबाव है P का मान है वो 7 kg/cm² है, तथा यांत्रिक क्षमता अब की बार आपको यांत्रिक क्षमता 60% दी गई है। इंजन की IHP और BHP आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और आप समझ गए होंगे क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है आपसे और क्या क्या आपको दिया गया है क्वेश्चन में। चलिएगा 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। भी आपको जो L का मान दिया गया है वो कितना है? 15 cm। कितना है? 15 cm। यानी L इज इक्वल टू, हम मीटर में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15/100 m। कोई दिक्कत? और RPM आपको, RPM P का मान कितना दिया है? पहले तो P का मान लिख लीजिएगा 7 kg/cm², और RPM जो कैपिटल N होता है वो होता है यहाँ पर आपको दिया गया 2000 चक्कर प्रति मिनट। इसके बाद में आपसे जो एरिया होता है, एरिया यानी πr² होता है, और यहाँ पे 22/7 इंटू आर का मान 5² 25 होता है, 25 यानी ये बढ़ जाएगा 550/7 cm² या वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको IHP निकालना है पहले तो, और इसके बाद में आपको निकालना है BHP जो पीछे वाला क्वेश्चन है सेम। तो आपको IHP निकालना है, IHP
इंडिकेटेड हॉर्स पावर सांकेतिक जो हॉर्स पावर निकालना है इसका, तो P का मान कितना है, पी एल ए एन अपॉन 4500 इंटू, अब यहां पर आपको क्या दिया गया है, दो सिलेंडर इंजन जिसका आकार यहां पर आपको दिया हुआ मिलेगा, ये चतुर्घात वाला है, अगर द्विघात वाला होता तो आपको यहां पर नाम मिल जाता, तो चतुर्घात वाला है तो n बाई टू, और n का मान कितना है, दो सिलेंडर है तो n का मान हो जाएगा दो, तो यहां पे p का मान 7 इंटू एल का मान आ जाएगा, एल का मान यहां पे 15 बाई अपॉन 100 आ जाएगा नीचे, इंटू 550 इंटू जो आरपीएम आपको 2000 राउंड दिए गए हैं इंजन के क्रैंकशाफ्ट के, और यहाँ पे 4500 इंटू यहाँ पे लगेगा 7 इंटू 100 लगेगा, और यहाँ पर देखना n का मान कितना है, दो बाई दो से दो कैंसिल हो जाएंगे, अब देखना ये 00 और ये 00 30 ये 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15 15 3 45 55 दुए 110/3 आईएसपी का मान आ गया, 55 × 110 होता है अपॉन 3 है, यानी ये आईएसपी इंडिकेटेड हॉर्स पावर का मान आ गया 110/3। आपको बीएचपी और निकालना है ब्रेक हॉर्स पावर, और बीएचपी निकालोगे तो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था कि आईएचपी अपॉन 100 इंटू जो मशीन होती है मशीन की इफिशियंसी, जो मशीन की क्षमता होती है, मशीन की इफिशियंसी कितनी दी गई आपको, 60% दी गई है, कितनी है 60%, तो ये मान रख दीजिएगा सूत्र में 110/3 इंटू 100 इंटू यहाँ पे जो मशीन क्या है 60%, तो इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 11/66/3, यानी इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा शायद, हाँ इतना ही है ना, हाँ 22 हॉर्स पावर, कितना हो जाएगा 22 HP, आपका आंसर आ जाएगा 22 HP। BHP का मान तो आ जाएगा 22 HP, और IHP का मान आ जाएगा 110/3 HP, इसको डिवाइड कर देना, अगर डिवाइड नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सही हो जाएगा। ये था तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही आसान था, तीनों क्वेश्चन सेम लैंग्वेज है, उसमें ए पी का मान सेम होता है, ए का एरिया का मान भी सेम आया है, लंबाई में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, और एक आरपीएम जो कैपिटल एन का मान है वो थोड़ा सा चेंजिंग आया है, और यहाँ पर थोड़ा सा गौर कर लेना भी, एन बाई टू आएगा या एन आएगा, चतुर्घात के लिए तो एन बाई टू आएगा, द्विघात के लिए क्या आएगा, ओनली फॉर एन ही आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके है, इससे है तो सेम ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा इससे हटके है, अब आपको यांत्रिक क्षमता ज्ञात करनी है, और यांत्रिक क्षमता किससे निकालेंगे हम, यांत्रिक क्षमता निकालेंगे बीएचपी अपॉन आईएचपी इंटू 100, बीएचपी अपॉन आईएचपी इंटू 100। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा 4 नंबर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भी, देख लीजिएगा कि एक सिलेंडर द्विघात इंजन, अब की बार आपको दिया गया है कि एक सिलेंडर है वो द्विघात चक्कर इंजन है, जिसकी बीएचपी का मान आपको कितना दिया है, 33 दिया गया है, अभी बीएचपी का मान 33 हॉर्स पावर है, सिलेंडर बोर जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, स्ट्रोक की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, और औसत जो आपको दबाव दिया गया है वो कितना है, पी का मान दिया गया है 7 kg/cm², और गति आपको आरपीएम का मान दिया गया 400 चक्कर प्रति मिनट, उसकी यांत्रिक क्षमता आपको निकालनी है, और यांत्रिक क्षमता आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अभी, और यांत्रिक क्षमता का मैं सूत्र लिख रहा हूं यहां पर, तो यांत्रिक क्षमता
यांत्रिक क्षमता। चार नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक क्षमता का सूत्र होता है IHP, ये है कि BHP है, हाँ BHP, BHP अपॉन IHP इंटू 100। BHP अपॉन IHP इंटू 100, लेकिन आपको क्वेश्चन में BHP का मान दिया गया है, निकालना नहीं अभी। एक आसान काम तो ये हो गया, यांत्रिक क्षमता आपको निकालनी है, लेकिन ISP का मान तो निकालना पड़ेगा। तो ISP का मान निकालेंगे, तो ISP का मान निकालेंगे तो PLAN अपॉन 4500 इंटू, यहाँ पे द्विघात है तो स्मॉलन ओनली आएगा, अपॉन नीचे दो नहीं आएगा अभी, अगर चतुर्घात होता तो नीचे दो आता, लेकिन यहाँ पे द्विघात है तो ओनली फॉर एन ही आएगा। तो पी का मान यहाँ पे 7 है, एल लंबाई आपको दी गई है, वो स्ट्रोक की लंबाई होती है यहाँ पर एल, तो वो 30 सेंटीमीटर ले लेना, और 30 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद में आपको दिया गया है जो सिलेंडर बोर 20 सेंटीमीटर है, सिलेंडर बोर 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपको व्यास दिया गया है सिलेंडर बोर का, यानी 20 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँ भी एरिया बनाऊँ, क्षेत्रफल ए का मान निकालूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू, यहाँ पे जो बोर की लंबाई कितनी है, सिलेंडर बोर की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यानी व्यास आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या आप बनाओगे 10, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 100, तो यहाँ पर बनाओगे 22 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसके बाद में जो RPM आपको राउंड दिए गए हैं क्रैंकशाफ्ट के, वो 400 हो जाएंगे अपॉन 4500 इंटू, अब ये सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करोगे तो 100 लग जाएगा नीचे, इसके बाद में यहाँ पर 7 लग जाएगा नीचे, 22/7 होता है तो वो 7 लग जाएगा, और इसके बाद में क्या लगेगा, हाँ इतना लग गया। इसके बाद में जो अन का मान है वो लगा देंगे 2 एक सिलेंडर है ना, तो 2 नहीं लगाएंगे, 1 लगाएंगे, यहाँ पर कितना लगाएंगे 1, क्योंकि 1 सिलेंडर है। इसके बाद में इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में इसको कैंसिल आउट किया तो 15 2 30, 15 3 45, ये बन जाएगा 22 3 44, या 4 2 8, 4 2 8, और 8 को 22 से गुणा करना तो 8 2 16 8 2 16 1 17, 176/3 हॉर्स पावर कितना आ जाएगा, 176/3 हॉर्स पावर किसका मान आ गया, आपका ISP का मान आ गया। इसके बाद में आपको यांत्रिक क्षमता निकालनी है, क्या निकालना है, यांत्रिक क्षमता, और यांत्रिक क्षमता का जो फॉर्मूला है, आपको BHP का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 33 HP दिया गया है, 33 HP अपॉन 176 है, 176 है वो, 176 तो नीचे आ जाएगा, अपॉन 3 है वो ऊपर चला जाएगा, और इंटू 100, तो ये बन जाएगा 99/100/176, 99/100/176 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 56.25%, 56.25% उसकी जो यांत्रिक इफिशियंसी यांत्रिक क्षमता आ जाएगी। ये थे आपके इंजीनियरिंग के 4 क्वेश्चन, यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है, अभी 4 क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मेरे को बताना भी सर हमारे समझ में आया है नहीं आया है, और पीछे वाला क्वेश्चन भी देख लेना आप, ये भी इससे संबंधित है ये क्वेश्चन या नहीं है, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा, ये क्लास थोड़ी छोटी है, नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी लेके आएंगे, क्योंकि ये आपको परखने के लिए है भी, आपसे इस क्लास से आपका पता चल जाएगा भी आप इस क्वेश्चनों को देखते हो या नहीं देखते हो। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।